श्री शिवाय मस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि अभी मार्ग शीर्ष चल रहा है, जो कि कृष्ण पक्ष का तृतीय दिवस बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुवार के दिन लेकर आया है। इस दिन हम आपको बता दें कि आत्रा नक्षत्र में दो विशेष योग लगे हुए हैं, जिसको शुभ योग और शुक्ल योग कहा जाता है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष माने जाते हैं और बहुत लंबे के समय के साथ एक दूसरे के साथ आए हैं, जो आपके जीवन में हर तरह की समस्या को दूर कर देगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन की कामना की पूर्ति होगी। जो भी आपका काम नहीं बन रहा था वो बनने लग जाएगा। साथ साथ में आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुर्भाग्य मिट जाएगा और हर तरह की आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ साथ में जिनके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, उनके पास भौतिक वस्तुएं नहीं है, तब उनके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। तो आइए इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें कि हमारे चैनल पर दीन मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। तो बिना किस देरी किए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहां तक जरूर शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनके भी जीवन की समस्या दूर हो सके। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और शीश वन मस्तुभ्याम की हाजिरी आपने जरूर लगानी है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोस तैयार करने के लिए। तो आइए बिना किस देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करना बेहद ही सरल है। इस उपाय को करने के लिए आपने 11 चने की दाल लेनी है, जो खंडित नहीं होनी चाहिए, और साथ में आपको एक गुड़ की डली लेनी है। इसके साथ ही आपको जरूरत होगी एक लोटा जल की। जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी ने कई बार बताया है अपनी कथा में, कि जब भी आपने लोटे वाला उपाय करना है, तब आपने हमेशा ही घर से जल भर के लेके जाना है। कोशिश करनी है आपने मटके से जल भरना है और तांबे के लोटे में जल भरना है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है। और साथ साथ में आपने ये सब करने के लिए ध्यान रखना है कि जब भी आपने उपाय करना है, यह सुबह सुबह ही कर लेना है। इन सब सामग्रियों को लेकर आपने पहुंच जाना है शिवालय में। वहां पर आपने सबसे पहले ये जो 11 चने के दाल हैं, आपने इस लोटे में डाल लेनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपने 11 बार जाप कर लेना है। साथ साथ में यह गुड़ की डली भी आपने इस लोटे में भर लेनी है और वहाँ पर आपने बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। जैसे कि बृहस्पति का यह दिन है, गुरुवार का दिन है, इसलिए आपने बृहस्पतेश्वर महादेव से अपने जीवन की समस्या कहते हुए उनसे विनती करनी है। अपना नाम और गोत्र लेकर यह जल धीरे धीरे महादेव पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद यदि इसमें गुड़ की डली या फिर ये चने की दाल रह जाती है, तब आपने हाथ से निकाल के इस पर समर्पित कर देनी है। हम आपको बता दें कि चने की दाल गुरुवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि जो भी इस दिन शिवलिंग पर एक भी चने की दाल चढ़ाता है, उसको सोना दान करने का फल मिलता है, उसको सोना महादेव पर समर्पित करने का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चने की दाल आपको अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और कोई ना कोई उपाय चने की दाल से जुड़ा हुआ महादेव के समक्ष अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन के दुर्भाग्य मिट जाते हैं और सारे काम बनने लग जाते हैं, कामना की भी जल्दी पूर्ति होती है। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और शीर्ष वाणी मस्तुभ्याम की हाजिरी आपने जरूर लगानी है। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोज बनाने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको वीडियो मिल जाए। शिशुवान मस्तुभ्याम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।